बीजेपी के पितृ पुरुष और कुशल संगठनकर्ता कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म जयंती के अवसर पर प्रदेश भर में कई आयोजन किए जा रहे हैं, जहां शांति पथ स्थित प्रतिमा पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण करने के साथ ही उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया। देखिए रिपोर्ट। कुशाभाऊ ठाकरे की प्रतिमा स्थल पर सुबह से ही कार्यकर्ताओं और नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था, जहां पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती, नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे, संगठन मंत्री जयपाल सिंह चावड़ा और वरिष्ठ बीजेपी नेता कृष्ण मुरारी मोघे मौजूद रहे। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि ये पूरा वर्ष संगठन पर्व के रूप में मनाया जाएगा और वो खुशनसीब है कि उन्हें कुछ समय के लिए कुशाभाऊ ठाकरे के नेतृत्व में कार्य करने का मौका मिला। देखिए, ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष है और पार्टी ने निर्णय लिया कि संगठन पर्व के रूप में मनाएंगे। ठाकरे जी ने हजारों कार्यकर्ताओं को गढ़ा है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने भी उनके साथ कुछ काम करने का मौका मिला। किस कार्यकर्ता को क्या काम देना और कैसे कार्यकर्ता को तैयार करना, व्यक्तिगत बात करके वो कार्यकर्ताओं की अच्छाई और बुराई को बताते थे कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हम तो उनको पार्टी के पितृपुरुष मानते हैं और ऐसे पितृपुरुष जिन्होंने संगठन को गढ़ा है, आज मध्य प्रदेश पूरे देश में संगठन के माध्यम से संगठन का एक मॉडल खिलाया जाता है। वो इसलिए खिलाया जाता है कि ठाकरे जी ने यहाँ हजारों कार्यकर्ता तैयार किए जो आज संगठन की मुख्य धारा में है। तो ऐसे पूरे वर्ष भर जो हमारी नई पीढ़ी है, उस नई पीढ़ी को ठाकरे जी के बारे में पूरा ज्ञान हो कि किस प्रकार ठाकरे जी का काम था, किस प्रकार वो उनका वर्किंग था, तो संगठन पर्व के रूप में ये वर्ष मनाया जाएगा। वरिष्ठ बीजेपी नेता कृष्ण मुरारी मोघे ने बताया कि 40 से 50 के दशक के बीच जनसंघ से जुड़कर उन्होंने कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया और तब से लेकर अंतिम समय तक उन्होंने बीजेपी को कई ऐसे कार्यकर्ता दिए जो आज बड़े राजनेता हैं। देखिए, ठाकरे जी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के और पूर्व में जनसंघ के संस्थापक लोगों में थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी ने जब 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की, 1942 से वो संघ के प्रचारक बने, भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर हिस्सा लिया और राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत होने के कारण उन्होंने बाद में भारतीय जनसंघ का काम प्रारंभ किया और आज मध्य प्रदेश के अंदर नहीं तो गुजरात, उत्तर प्रदेश, इन तमाम प्रदेशों के अंदर जो भारतीय जनसंघ की नींव डली और काम का विस्तार हुआ, यानी अगर उदाहरण देना हो तो उत्तर प्रदेश के अंदर कल्याण सिंह जी, राजनाथ सिंह जी और कलराज जी मिश्र, इन तीनों को जो खड़ा करने का काम किया वो माननीय कुशाभाऊ जी ठाकरे ने किया और जिसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत आधार ये जनसंघ का बना। मध्य प्रदेश के तो एक एक गांव के अंदर उनका संपर्क था और अनेक लाखों कार्यकर्ता इस प्रदेश के अंदर उन्होंने खड़े किए। आज जो भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप देख रहे हैं उसकी नींव के अंदर माननीय कुशाभाऊ जी ठाकरे हैं और इसलिए उनकी प्रेरणा सदा सर्वदा ये कार्यकर्ताओं के बीच में रहे, इसलिए शताब्दी वर्ष के रूप में मनाने का पार्टी ने निर्णय किया है और उसी तारतम्य में आज उनका जन्मदिन है। 15 अगस्त 1922 को जन्म हुआ और उस दिन जन्माष्टमी भी थी, इसलिए आज माल्यार्पण का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न किया है। वहीं इसके साथ ही प्रदेश भर के बीजेपी कार्यालयों पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन भी किया जा रहा है, जहां इंदौर बीजेपी कार्यालय पर भी सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे की माने तो कुशाभाऊ ठाकरे ने अनेकों कार्यकर्ताओं को गढ़ने का काम किया है, जहां उसी कड़ी में उन्हें आदर अंजलि देने के लिए सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी का आज तिथि के हिसाब से उनके जन्म शताब्दी वर्ष का शुभारम्भ हो रहा है।
15 अगस्त 1922 में श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी का जन्म हुआ और 28 दिसंबर 2003 को उन्होंने अपना देह त्यागा और इस 81 साल की आयु में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को नीचे से गढ़ने का काम और अनेकों कार्यकर्ताओं को गढ़ने का काम हमारे श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी ने किया है और उनके जन्म शताब्दी वर्ष का ये प्रारंभ हो रहा है। उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी इंदौर और मध्य प्रदेश ने हमने सभी पोलिंग बूथ पे सुंदरकांड का पाठ रखा है, उन्हें आदरांजलि पुष्पांजलि देने का कार्यक्रम रखा है, जिला स्तर पे सुंदरकांड का पाठ है और प्रदेश स्तर से जिन लोगों ने कुशाभाऊ ठाकरे जी के साथ काम किया है ऐसे सभी हमारे इंदौर में कृष्णकुमारी मोघे जी सभी कार्यकर्ताओं को उनके जीवन का परिचय देने वाले हैं, प्रदेश से भी हमारे वक्ता इसमें जुड़ने वाले हैं। तो ऐसे हम सभी कार्यकर्ताओं को एक श्रद्धेय कुशाभाऊ जी का आदर्श जीवन और उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी को गढ़ने का और कार्यकर्ताओं को खड़ा करने का काम किया है वो हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा है। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता माल्यार्पण के साथ ही सुंदरकांड पाठ के आयोजन में शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।